रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के बाजपुर खेल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर विक्रम सिंह ने तिरंगा फहराकर व पेट की सलामी भी ली। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, HRDC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, कौशल विकास निगम के प्रदेश संयोजक नवीन शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, उपायुक्त हरिकेश मीणा, पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विक्रम सिंह ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, HRTC के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, कौशल विकास निगम के प्रदेश संयोजक नवीन शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, DC हरकेश मीणा, SP अरजीत सेन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने सबसे पहले जनता को 71वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज देश विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाकर उभरा है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी देशवासियों को एक समान विकास और समानता का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का शक्ति संविधान में ही निहित है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। गत दिनों हिमाचल में हुई इन्वेस्टर मीट से आगामी दिनों में प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन्वेस्टर मीट का सफल आयोजन किया गया है, जिससे प्रदेश में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पहाड़ी राज्यों में विकास के नाम पर अलग पहचान बनाई है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण करने के उपरांत पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, NCC टुकड़ी, बच्चों व अन्य संगठनों की परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बधाई देता हूँ तथा सबके खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास और उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। ये पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। प्रदेश ने पहाड़ी राज्यों को विकास की नई दिशा दिखाई है। सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आज ये प्रदेश न केवल देश में बल्कि विश्व में निवेशक प्रिय गंतव्य बनकर अक्षर हुआ है। प्रदेश में पहली बार 7-8 नवंबर 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई, जो कि बड़ी सफलता रही है। इस मीट में 96,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव 703 MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की जा चुकी है। राज्य ने सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, बागवानी जैसे क्षेत्रों में उदाहरणीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। इस विकास पर पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार का टूट साथ पाकर प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहा है। प्रदेश को मिल रहे विशेष सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का की सरकार के सभी सहयोगियों का प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल पुलिस रक्षक बल एक योजना के तहत गठित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हमारे स्कूलों के छात्र छात्राएं मंच से गुजरते हुए रक्षक बल